Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. सिंधिया जी ने घोना के लिए बहुत कुछ किया है, विकास किया है सिंधिया जी ने, बहुत पहले से विकास किया। अब सब सब सही है, मगर बेरोजगार शहर है। बेरोजगार शहर है, गुना में होना चाहिए ना उद्योग भी। गुना से बाहर जाएंगे तो फिर फैमिली का क्या होगा, घर को कौन देखेगा। हमारी चुनावी यात्रा अब गुना पहुंच चुकी है। गुना में शहर के बीचों बीच जय स्तंभ चौराहा है जहां हम मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। नाश्ते वाश्ते की दुकान यहां पर है जहां समोसे बिक रहे हैं, कचौरियां बिक रही हैं और काफ़ी भीड़ यहां पर मौजूद है। कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ जानते हैं कि आखिर यहाँ माहौल क्या है। इस सीट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, बीजेपी के जो है चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के चिन्ह पर राव यादवेंद्र सिंह हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आप हम देख रहे हैं कि दुकान चल रही है सुबह से एकदम, कितने बजे शुरू हो जाती है दुकान? 5 बजे से। 5 बजे से? 5 बजे आ जाते हैं, मतलब नाश्ता स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार समोसे कचौरी लोग यहाँ काफी बिक रहे हैं, पसंद वही करते हैं। हाँ, समोसा बहुत फेमस है इस गली में। समोसा बहुत फेमस है इस गली में। अच्छा, आप कब से बना रहे हैं? काफी समय में पापा है, 1979 से है। 1979 से ये दुकान है? हाँ, यही ठेला लगाते हैं? नहीं, दुकान थी हमारी, बहुत बड़ी दुकान थी। दुकान थी बहुत बड़ी, 16x80 वो उट गई मंदिर के अंदर, एवार में चली गई। अब ये ठेला लग रहा है लेकिन दुकान काफी पुरानी है। पुरानी दुकान थी हमारी। अच्छा, आप तीनों भाई हैं? नहीं, वो मेरे पापा हैं जी, मेरे भाई है। अच्छा अच्छा, अगर चुनाव की बात की जाए, जैसे दिन भर आपके पास तो लोग आते रहते होंगे, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? तो मैडम बीजेपी का है, सिंधिया जी जीतेंगे, सिंधिया जी जीतेंगे। सिंधिया जी? हाँ, क्यों सिंधिया? तो नहीं, सिंधिया जी ने घोना के लिए बहुत कुछ किया है, विकास किया है सिंधिया जी ने, बहुत पहले से विकास किया है। हाँ, आपसे बात कर लेते हैं, आप पहले ही ज़्यादा बोल रहे हैं। सिंधिया जी के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कि सिंधिया जी ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन सिंधिया जी तो पिछली बार यहाँ से चुनाव हार गए थे। अगर वो ऐसा ही है तो कमल में लिया तो नरेंद्र मोदी की थी ना, हर गंगे हर मोदी उस टाइम था, तो इसलिए सिंधिया जी हार गए। अब वैसे भारतीय जनता पार्टी में आकर वैसे भी हमारे माननीय है वो, लेकिन वो तो भाई साहब कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने काम बहुत किया है, तो 3 ही साल तो उन्हें बीजेपी में आए हुए हैं। तो पहले काम किया था ना, पहले थे, पहले काम किया था तो पहले तो चुनाव हार गए थे। है? पहले काम किया था, पहले तो चुनाव हार गए। अरे हार गए तो वैसे ही, पर मैं वो तो लहर उसकी थी ना, नरेंद्र मोदी की, इस कारण से वो हार गए थे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, यहीं के आप लोकल हैं? गुना लोकल के। गुना लोकल के हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं? जन्म यहीं स्थल है। आप देखते होंगे क्या परिवर्तन आप देखते हैं शुरुआत से, जब आप देखते हैं कि कितना डेवलप गुना देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ मोदी की लहर है, वो कुछ नहीं है, बस डेवलप नहीं हुएगा। नहीं, डेवलप तो है पर मोदी की लहर है, वो कुछ नहीं है बस। अच्छा, अगर सिंधिया की जगह कोई और भी होता तो भी हो जाए, फिर मोदी, सिर्फ मोदी। ऐसा क्यों? मोदी ने जो कराया देश के लिए आज तक किसी ने किया ही नहीं, देश को बचा लिया मोदी ने, ये बात है सीधी, बहुत से काम किए मोदी ने। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर बना और जो है 370 हटी, इससे गुना वालों को क्या मिला? फायदा, हम अपना देश अपनी किसी कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, हम रह सकते हैं वहाँ पे। पहले क्या था, वो 370 थी उनके लिए थी, हमारे लिए कुछ नहीं था, अब हम भी आ जा सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपकी दुकान जो है पीछे थी, तोड़ दी गई, क्यों? वो पहले कांग्रेस का जमाना था ना, कमलनाथ जी आए थे, 6 महीने सब जगह अरविंदों में, बम्बई में, हमारी दुकान बंद रही थी, मगर बंदी मंदिर के अंदर थी, मंदिर महात्मा का वो देता है। अब वो उन्हें क्या मालूम कागजात क्या है, कागज वाले कागज कहाँ आप किसकी पास? कांग्रेस जब कमलनाथ की सरकार अभी बीच में 15 महीने के लिए आई थी, हाँ उससे तोड़ दी थी हमारी दुकान, तोड़ दी गई। अब कांग्रेस उनसे मांग रही कागज, कागज महात्मा वो थे, एक मर गया, दूसरा आ गया, दूसरा मर गया, तीसरा, उस टाइम हमारी 1970 से थी मेरी दुकान यहाँ पर। 1970 से आप यहाँ समोसा जलेबी अंदर अंदर ऐसी दुकान थी, लगी दो शटर लगी ऐसी दुकान थी अंदर। ठीक है, तो इसलिए भी शायद लोग हैं, लोगों में थोड़ी नाराज़गी नज़र आ रही है क्योंकि 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार रही, तो इन भाई साहब की तो ये दावा कर रहे हैं कि दुकान टूटी है। आप लोगों से बातचीत करें, देखिए लोग थोड़ा सा, आंटी आप बताइए, आप गुना की हैं? आप नहीं, मैं गुना की नहीं हूं। कहाँ से आप? हम तो गाँव के हैं, बेटाघाट। बेटाघाट के हैं, तो गुना में ही तो ये आता है ना? हाँ, गुना ही। चुनाव 7 मई को है आपके? चुनाव 7 मई में। लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। पैसे आते हैं? हाँ आते हैं।
तो शिवराज जो है, शिवराज आपको अच्छे लगते हैं? मामा जो है आप लोगों के? अरे मामा कौन डालता है, तो मोदी जी डाल रहे हैं। तो अच्छा, मोदी जी डाल रहे हैं? मोदी जी डाल रहे हैं, कभी डाल रहा है। तो मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जी से ही खुश हैं। और जो शिवराज आपको मामा, खुद को मामा बताते हैं कि मेरी लाडली बहनें हैं, उनको पैसे देने दे रहे हैं वो? आवे थे वो पता नहीं, बहन जी का मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, पैसे जो आते हैं उनका क्या करती हैं? वो खर्चे पे ले लेते हैं, उनका करेंगे। साड़ी वाड़ी खरीदती हैं? नहीं, साड़ी वाड़ी ऐसे साड़ी भी खरीद लेते हैं, खर्चे पे ले लेते हैं। और क्या, आपसे अगर पूछा जाए, आप यहीं के हैं जी? गुना से ही हैं? गुना से ही। क्या मुद्दा यहाँ देखते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस है। ज्योतिराज सिंधिया भी सही है और अपना मोदी जी सही है। तो मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कमल पे ही हैं? हाँ, कमल पे ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंधिया जी को देख रहे हैं या पीएम को देख रहे हैं? पीएम को। गुना में अगर अच्छा विकास की बात करें तो यहाँ विकास हुआ है, मतलब चीज़ें बनी हैं, रोड वोड अच्छी हुई है? सब सही है, मगर बेरोजगार शहर है। बेरोजगार शहर है, कोई इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है। लोग कहाँ जाते हैं यहाँ से? चौराहे चौक आते हैं, चौक से मजदूरी मिलती है तो मिलती है, नहीं अपने घर चले जाते हैं। मजदूरी को यही नहीं है, 300-400 रुपये मिलते हैं मजदूरी में, क्या करे आदमी, बच्चे पाल लेगा, कहते हैं अपना आगे कारोबार चलाए। और जैसे अगर बच्चों की बात करें, बच्चे पढ़ने के लिए गुना में ही पढ़ते हैं स्कूल के बाद या बाहर जाते हैं? गुना में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कई लोग हमारे साथ थे, और जिस चौराहे की बात कर रहे हैं तो ये पीछे ही, हमारे पीछे जो चौराहा था, जय स्तंभ चौराहा इसको बोलते हैं, हम भी जब आए तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। जो मजदूर वर्ग है वो यहीं होते हैं और इसी हिसाब से यहाँ पर मजदूरी चलती है, जिसको काम मिल गया वो चला जाता है, बाकी जो है इसी तरह से काम चलता है। देखिए और भी यहाँ दुकानें हैं, तो इनसे भी अगर बातचीत करें, जाने आप बताइए, आप गुना से हैं? हाँ। वोट देती हैं? हाँ। इस बार यहाँ क्या देख रही हैं, मतलब कमल का फूल या हाथ का पंजा? कमल का फूल। क्यों? सिंधिया जी अच्छे हैं? हाँ। सिंधिया जी हैं या पीएम मोदी? पीएम मोदी जी और सिंधिया जी दोनों अच्छे हैं। क्यों सही है? क्यों, उन्होंने काम देश के लिए काम अच्छा किया है। गुना के लिए क्या किया? हाँ, गुना के लिए काम अच्छा किया, देश के लिए काम अच्छा किया है। अच्छा, पिछली बार तो सिंधिया जी हार गए थे, तो क्या पब्लिक की सोच थोड़ी, मतलब उन्होंने काम तो अच्छा किया था, लेकिन इस बार जीतेंगे वो, और यार हम भी उनको मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, पीएम का चेहरा देखेंगे। देखिए यहाँ जो दुकानों पर हम मौजूद हैं, ये काफ़ी पुरानी दुकानें हैं बताया जा रहा है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? ये 30-40 साल पुरानी है मैडम। भीड़ हम देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है जो है, कम नहीं हो रही है सुबह सुबह का। नहीं, अभी तो मैडम शादी ब्याह चल रहा है, तो आवागमन ज़्यादा, इस चक्कर में भीड़ वाला ज़्यादा रहती है। वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा नहीं रहती। अच्छा। हाँ। अगर यहाँ बात की जाए, सुबह से शाम तक लोग आते रहते होंगे आपके पास, सुनते रहते होंगे आप, क्या माहौल यहाँ चल रहा है? ये चुनाव को देख कर सिंधिया जी जी, सिंधिया जी की लोग बात कर रहे हैं यहाँ की, सिंधिया जी पिछली बार तो सिंधिया जी को हरा दिया था। तो पिछली बार तो वो अपने क्या, नहीं नहीं सिंधिया जी लोग पसंद भी करते हैं। अच्छा। जी, और केपी यादव जो हैं पिछली बार यहाँ से सांसद थे, जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था, उन्होंने काम किया था? जी मैडम, इतनी तो जानकारी नहीं हमको, हमारे आप यहाँ लोकल ही हैं। हाँ। तो बीए के बाद सीधा आप नौकरी कर रहे हैं, और कुछ सोच रहे हैं? और कुछ नहीं सोचा, और मैडम आजकल बेरोजगारी इतनी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वैसे नौकरी मिलती भी नहीं है। अच्छा, नौकरी करते हैं? वो तो ऐसे ही लोकल एक दुकान है, उस पर करते हैं। तो बेरोजगारी आप कह रहे हैं, क्यों नहीं मिलती, आपने कभी ट्राई किया कि नौकरी? मैडम मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लगे उम्र है, उनको नहीं मिली तो मुझे क्या मिलेगी। अच्छा। क्या फिर चाहते हैं आप कि यहाँ पे क्या हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, नौकरी मिले, क्या चाहते हैं सरकार? इंडस्ट्री बढ़े थोड़ी बहुत और उद्योग बढ़े, बस यही चाहते हैं सरकार से। वैसे भी अच्छा काम हो रहा है बीजेपी आई तब से। तो गुना से बाहर क्यों नहीं गए? गुना से बाहर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद। ऐसे ही नहीं गए मैडम, घर का थोड़ा सा इशू, मिडिल क्लास फैमिली से, इसलिए बाहर जाने ही नहीं देते घर वाले। लेकिन बेरोजगारी का आप मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो यहाँ पर है, तो और क्या मैडम, तो गुना में होना चाहिए ना उद्योग भी, गुना से बाहर जाएंगे तो फिर फैमिली का क्या होगा, घर को कौन देखेगा? आप अकेले अपने घर में? हाँ मैडम। मतलब और भाई बहन? भाई बहन है, भाई बड़ा है, वो खेती करता है। तो आप दोनों ही घर चलाते हैं? और क्या मैडम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे गुना से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं बाहर जाते हैं या यहीं पढ़ते हैं, जिनका 12th हो जाता है तो? मैम
कोई कोई बाहर भी आता है, कोई कोई यहाँ भी पढ़ता है। वो तो यहाँ कॉलेज अच्छे हैं? अच्छे कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। तो यहाँ से पढ़ने के बाद सीधा नौकरी लग जाती है? लग जाती है ना, वो तो अपनी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ युवा थे जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कॉलेज तो है, पढ़ाई तो होती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री और उद्योग थोड़े और लग जाएं तो थोड़ा आसान रहे, गुना के गुना में नौकरी भी मिल जाए। तो ये तमाम मुद्दे थे, यहाँ जयस्तंभ चौराहे पर हम मौजूद थे, जहाँ पर हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की है, महिलाओं से भी, व्यापारियों से भी, लोगों से भी। तो थोड़ा सा जो है दोनों ही तरफ मामला दिख रहा है, लेकिन सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लोग खासा पसंद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.